देर में गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव की काउंटिंग की शुरुआत, और इस बड़ी कवरेज में आप एबीपी गंगा के साथ देखेंगे कि आखिरकार गोला की सीट पे कौन बाजी मारता है। कांटे की टक्कर बताई जाती है, जहां बीजेपी और सपा के आमने सामने की टक्कर में अब किस्मत का फैसला प्रत्याशियों का होगा। 14 टेबल पर 32 राउंड में मतगणना हो रही है। बीजेपी से अमन गिरी तो सपा से विनय तिवारी की किस्मत का फैसला। 2,23,000 मतदाताओं ने मत का प्रयोग किया है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा उपचुनाव में बात करें वोटिंग परसेंटेज की तो 57.35% ये है वोटिंग। लेकिन अब अहम यह है कि 8 बजे का वक्त हो चुका है, मात्र 10 सेकंड के बाद यह माना जा रहा है कि यह काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 8 बजे के तय वक्त के आधार पर सारी तैयारियां पूरी हैं, और जैसे ही ये 8 बजने के साथ काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, एबीपी गंगा पर आप लगातार अपडेट के लिए बने रहेंगे, क्योंकि किसने गोला पर किसने बाजी मारी है, इस सीट को लेकर के जिस तरीके से दोनों ही पार्टियों ने दमखम लगाया था, दोनों ही पार्टियों ने प्रचार किया था। और बात करें बीजेपी की तो खुद सीएम योगी सीट के लिए जमीन पर उतरे, जनसभाएं की, अमन गिरी के पक्ष में वोट अपील की, लेकिन सिंपथी वोट, सीएम की वोट अपील, ये भारी पड़ेगी या फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से विनय तिवारी, जो कि नया नाम नहीं है, गोला की सीट के लिए जाने पहचाने प्रत्याशी हैं, पुराने प्रत्याशी हैं, उनकी भी अपनी साख है, उनकी भी अपनी पकड़ है। ऐसे में कौन विजयी होगा ये जानना दिलचस्प रहेगा। अमन गिरी जो कि नाम नया है लेकिन विरासत पुरानी है, 5 बार से अरविंद गिरी विधायक बनते चले आए हैं, उनके असमय निधन, हार्ट अटैक की वजह से ये सीट खाली होती है, उपचुनाव होता है, और इस उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जिस कंधों पर ये जिम्मेदारी दी वो उनके ही सुपुत्र हैं। अब अपने पिता के इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में जो नाम पहचान, काम और पकड़ है, उस पर कितने खरे उतर पाएंगे अमन गिरी, ये फैसला अब शुरू हो जाएगा काउंटिंग के साथ। इसके अलावा विनय तिवारी का भी जिक्र करना जरूरी है, जहां ये भी नाम नया नहीं है, गोला की सीट पर काम करते चले आए हैं, गोला के लोगों के लिए ये जाना पहचाना चेहरा है। ऐसे में क्या सिंपथी वोट के साथ बीजेपी का ठप्पा और जबरदस्त प्रचार प्रसार, जो टेक्निक दिखाई देती है बीजेपी की हर एक चुनाव पर, वो सब कुछ इस्तेमाल हुई है, ये 3 फैक्टर हावी हो जाएगा क्या विनय तिवारी के उस नाम और काम पर, यह देखना होगा, दिलचस्प होगा। और आपको बताएं 14 टेबल पर 32 राउंड में ये काउंटिंग की शुरुआत होगी, 57% के लगभग वोटिंग है। ऐसे में गोला की जनता ने किसको आशीर्वाद के तौर पर वोट दिया है, ये देखना समझना बहुत जरूरी होगा। उपचुनाव को लेकर के किस तरीके से ताकत झोंकी है, ये भी हम आपको बताएं। इस पूरे चुनाव में कौन बाजी मारेगा, इससे जुड़े कुछ फैक्ट्स जो हैं वो ये कहते हैं कि बीजेपी ने तो पूरी ताकत से ये चुनाव लड़ा है, सीएम योगी ने भी जनसभा को संबोधित किया था, भाजपा के 40 में से 29 स्टार प्रचारक यहाँ पहुंचे थे इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट में, वो भी सक्सेस रेट आपके सामने है, पिछड़ा वर्ग के नेताओं की पूरी टीम उतरी थी, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने तो डेरा डाल दिया था, वहीं पर मौजूद रहे थे, और भूपेंद्र चौधरी की प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये पहली परीक्षा भी है। सपा ने उपचुनाव में पूरी ताकत लगाई, अखिलेश यादव ने प्रचार भले नहीं किया क्योंकि परिवार में इतना बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन सपा ने नुक्कड़ सभाओं पर ज्यादा ध्यान दिया, यानी कि उनकी भी स्ट्रैटेजी थी छोटे छोटे चंक्स बना करके, छोटे छोटे एरिया में बांट करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश सपा ने भी की है। और ऐसे में ये देखना होगा कि क्या यहाँ गोला की जनता जनादेश देगी, ये देखना अपने आप में दिलचस्प और अहम होगा। कई फैक्टर्स हैं, देखिए प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में सबसे पहला नतीजा आ रहा है भूपेंद्र चौधरी के लिए, 3 दिन तक वो मौजूद रहे, दिवाली के तुरंत बाद वो पहुंच गए गोला, और गोला में ही डेरा जमाए रखे वो, इसी दरमियान तमाम प्रचारक आते रहे जाते रहे, लेकिन भूपेंद्र चौधरी ने सीट नहीं छोड़ी, वो वहीं पर मौजूद रहे, क्योंकि आज 8 बजे के बाद ये पहला कह सकते हैं आदेश आएगा जनता का, जहां पर उनके चुनाव प्रचार प्रसार के, जो उनके अंडर में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया है, प्रचार प्रसार की जो कमान जिम्मेदारी उनके कंधों पर रखी गई थी, उसका परीक्षण हो जाएगा। इस सीट पर जिस तरीके के नतीजे आएंगे, ये पता चलेगा कि हाँ, कमांडर की भूमिका में जब भूपेंद्र चौधरी रहे हैं, उनके साथ चुनाव लड़ा जा चुका है, नतीजे क्या है ये भी इशारा करेंगे। गोला के जनादेश पर इसीलिए निगाहें ज्यादा तौर पर टिकी हुई है। देखिए 3 नवंबर को वोटिंग हुई, 7 प्रत्याशी मैदान में थे, और माना यह जा रहा है कि बीजेपी सपा में सीधी टक्कर है, ये साफ तौर पे दिखाई देती है, क्योंकि बसपा और कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। ऐसे में ये मान करके चला जा सकता है कि इस सीट में टक्कर सिर्फ 2 कैंडिडेट के बीच में थी, भले प्रत्याशी कोई और भी हो।
तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी अमन गिरी का कहना है कि जनता पर उन्हें भरोसा है, ये चुनाव पिताजी का है और जीत उन्हीं की होगी। गोला गोकर्णनाथ सीट की आज रिजल्ट का दिन है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी हैं। मंदिर सुबह होकर आ रहे हैं, आशीर्वाद ईश्वर से लेके आ रहे हैं। कितने जीत के प्रति आश्वस्त हैं? मुझे गोला विधानसभा की जनता पर भरोसा है, भोले बाबा की कृपा है, उनका भरोसा है, बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ चल रहा है, जीत तो सुनिश्चित होगी होगी। जीत के लिए क्या फैक्टर काम करेंगे इस बार आपके? सर्वप्रथम तो मैं कहूँगा कि चुनाव जिस तरीके से मैं कहता आया हूँ, हमारा नहीं पिताजी का ही चुनाव है, तो पिताजी का ही चुनाव है, वो पुनः जीतेंगे, पहले जीते थे अब फिर से जीतेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से लोगों के बीच में सबका दिल जीता है, अपना विश्वास कायम कराया, वो विश्वास कायम है और हमेशा रहेगा, भारतीय जनता पार्टी उस पर जीतेगी। सुबह सुबह मंदिर गए थे, भगवान से क्या आशीर्वाद मांग के आए? सबसे पहले तो विजय की प्राप्ति हो, दूसरा यही मैंने सोचा था, यही मैंने मांगा भी था भोले बाबा से कि पिताजी का नाम जितना मैं ऊंचा करूंगा उसी में मेरा यश होगा। आखिरी सवाल ये कि जीत के अगर मिलती है आज आपको, तो गोला गोकर्णनाथ की जनता के लिए क्या करेंगे? सब पता चलेगा। देखिए, ज़्यादा कुछ बोलने के उसमें नहीं है, लेकिन ईश्वर से आशीर्वाद लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। जो मतगणना स्थल है वहाँ पर अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अमन गिरी साफ तौर पर कह रहे हैं कि पिता की जो विरासत है उसे आगे ले जाने का काम करेंगे। लखीमपुर से कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। ग्राउंड पर कैसी हलचल है? काउंटिंग की शुरुआत 8 बजे से होनी है, वो हो चुकी है, इसीलिए हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का जो मौके पर मौजूद हैं, और उनसे हम जानकारी लेते हैं कि जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां वक्त पर सारी चीजें शुरू हो चुकी हैं। क्या अपडेट है रतीश? बिल्कुल स्नेहलता, काउंटिंग का आज दिन है और काउंटिंग शुरू हो चुकी है। अपने कैमरा सहयोगी से कहूंगा कि वो आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं, जमीनी स्तर पर क्या चल रहा है। गोला गोकर्णनाथ की सीट समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच प्रतिष्ठा का विषय भी है, और एक ऐसे वक्त समाजवादी पार्टी जब नेताजी को खो चुकी है, नेताजी नहीं है, ऐसे में तमाम लोगों के लिए टेस्ट है। भूपेंद्र चौधरी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के लिए टेस्ट है, तो नेताजी के बाद समाजवादी पार्टी किस तरह से आगे जाएगी इसके लिए भी टेस्ट है। मतगणना स्थल की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, 14 टेबल हैं, 32 राउंड हैं। कुछ देर बाद अभी हम सबसे पहले बैलेट पेपर जो है उनको काउंटिंग की जाएगी, उसके बाद ETPBS की बारी आएगी, और उसके बाद जो EVM है उनको खोला जाएगा, और उसके बाद मतगणना शुरू की जाएगी। यह सीमा है, सीमा रेखा खींची गई है, CRPF को लगाया गया है, SSB की बटालियन भी लगी है, और जो सिविल पुलिस है उसके अधिकारी हम आपको दिखा रहे हैं, सभी ने मोर्चा ले लिया है। जो जनप्रतिनिधि हैं जिनको जिनके पास केवल पास है वो अंदर जा पा रहे हैं, उसके अलावा किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। सुरक्षा का बेहद कड़ा घेरा है गोला गोकर्णनाथ की सीट पर। आज सबकी निगाह है कि इस किसके पाले जाएगी। अगर मुख्य मुकाबला माना जाए तो समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी और भारतीय जनता पार्टी के अमन गिरी का है। अमन गिरी सुबह से ही मंदिर मंदिर जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, और हमने जब उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पिता की विरासत को आगे ले जाने का काम करेंगे। पिता ने बहुत सारा काम किया, जो नहीं कर पाए उसको अब अमन गिरी आगे काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कहा जाए कि उपचुनाव वैसे भी सत्ता पक्ष का होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर एक कार्यकर्ताओं में जोश के साथ आगे चुनाव में जाएगी। निकाय चुनाव हैं, 5 दिसंबर को रामपुर और मैनपुरी के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। ऐसे में गोला गोकर्णनाथ की सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्षियों पर और ज़्यादा हमलावर होना चाहती है, तेज़ हमला करना चाहती है। ऐसे में गोला गोकर्णनाथ सीट पर जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की नेताओं की बॉडी लैंग्वेज कुछ दूसरी हो सकती है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं में और ज़्यादा जोश बढ़ाने के लिए सीट पर प्रबल दावेदारी जरूर कर रही है, लेकिन आज फैसले का दिन है और देखना होगा। आपसे कुछ देर बाद रुझान भी आना चालू हो जाएंगे, लेकिन फैसला किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि मुकाबला प्रत्याशी जरूर यहां पर दावेदार जरूर साथ हैं, वो क्या कर रहे हैं और उनके साथ कौन कौन मौजूद है इस बारे में क्या देख पा रहे हैं आप आसपास? देखिए, हम कोशिश करते हैं कि जो समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं शायद वो मतगणना स्थल पहुंचे हैं अभी कुछ देर पहले, यहाँ पर वो नहीं थे, लेकिन देख रहे हैं हम कि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विनय तिवारी वो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करने के लिए, मतगणना स्थल पर वो पहुँचे हैं।
और उनका क्या दावा है, क्योंकि मुख्य मुकाबले में समाजवादी पार्टी बीजेपी के साथ मानी जा रही है और बीजेपी के साथ उनकी कैसी लड़ाई होने जा रही है, आज वो क्या करेंगे क्या नहीं करने जा रहे हैं, एक बार उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि विनय तिवारी क्या करेंगे। यहाँ पर आज मतगणना स्थल पर हम मौजूद हैं और विनय तिवारी आज यहाँ पर आ चुके हैं अमन गिरी के साथ। अमन गिरी ने अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने की बात कही थी और हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अभी दूसरे मीडिया कर्मी को वो बाइट दे रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल रतीश, विनय जी क्या दावा कर रहे हैं? चुनाव समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। अच्छा, अमन गिरी कह रहे हैं पिता की विरासत को आगे ले जाएंगे, ये तो आने वाला वक्त अभी बताएगा। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में जो काम गोला विधानसभा में हुए थे वो आज तक पूरे नहीं हो पाए और नए काम कोई शुरुआत नहीं हुई, तो ये जनता ने इसका जवाब दिया है। जिस तरीके से किसान बदहाल रहा है, छात्र परेशान रहे हैं, युवा परेशान रहे हैं, व्यापारी परेशान रहा है, उसका जवाब जनता ने दिया है और अभी कुछ ही क्षणों के बाद आपके सामने उसका परिणाम आने वाला है। संदेश क्या जाएगा? संदेश क्या? मतगणना के दिन आप लोगों ने बहुत आरोप लगाए थे, मतगणना के दिन आप लोगों ने बहुत आरोप लगाए थे। शासन का कोई सहयोग हम लोगों को नहीं रहा, लेकिन सरकार को पूरा रहा है। सरकार के कार्यकर्ता के रूप में प्रशासन ने पूरी तरीके से काम किया है और आज के लिए भी हम लोगों ने पूर्व में ही चुनाव आयोग को भी सूचना दे दी है। माननीय जिलाधिकारी महोदय को भी एक हमारा प्रतिनिधिमंडल आकर के मिला था और जिसने ये सूचना दी है। श्रद्धांजलि नेताजी को मिलेगी यहाँ से? माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि गोला विधानसभा का कार्यकर्ता दे चुका है, आज उसका परिणाम आने वाला है। अखिलेश यादव के ना आने का? माननीय अखिलेश यादव जी का एक एक कार्यकर्ता माननीय अखिलेश यादव है, इसलिए उनके आने से ना आने से कोई फर्क नहीं है। जो कार्यकर्ता ने उनकी भावनाओं को और उन्होंने जो हम लोगों को निर्देश दिए थे वो जन जन तक पहुँचाने का काम एक एक कार्यकर्ता ने किया है। तिवारी साफ तौर पर अपनी बात करते हुए समाजवादी पार्टी के और कह रहे हैं कि सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को देने की उनकी तरफ से कोशिश है, हालांकि प्रशासन पर दावा, प्रशासन पर आरोप जरूर लगा रहे हैं कि प्रशासन वो अब ऐसे में इस प्रशासन पर आरोप लगाया है कि क्या कहना है और क्या जानकारी बताएं। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी अभी मतगणना स्थल के अंदर हैं, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे तो उनसे भी उनके पक्ष को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने चुनाव के दिन यानी मतदान के दिन भी इस तरीके के आरोप लगाए थे, लगातार हमने देखा था, सोशल मीडिया पर भी इस पर सवाल उठाए जा रहे थे और आज जब मतगणना हो रही है तब भी इस तरीके के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विनय तिवारी के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर स्पष्टीकरण प्रशासन की तरफ से मिलेगा अभी, लेकिन जो कि अधिकारी हैं वो मतगणना स्थल के अंदर हैं। आपको तस्वीर दिखा दें, मतगणना स्थल थोड़ी दूरी पर है, विनय तिवारी यहां पर आ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के दोनों ही पक्षों का यानी दोनों ही पार्टियों का और प्रत्याशियों का अपना अपना दावा है, दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं तो दोनों ही साइड से सिंपथी फैक्टर बहुत डोमिनेट कर रहा है। दोनों ही साइड, दोनों ही पक्षों पे इस वक्त सिंपथी या यूं कहें कि भावनाओं को जोड़ने वाली बातें अपील की जा रही हैं। ये कह रहे हैं कि अब नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, नेताजी का जिक्र किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अमन गिरी के लिए माना जा रहा है कि सिंपथी वोट इन्हें मिलेंगे। किसे सिंपथी, किसके लिए जनता के बीच सिंपथी ज्यादा है? आपने बातचीत की होगी लोगों से? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, दोनों ही तरफ सिंपैथी का गेम चल रहा है, पॉलिटिकल स्टंट भी इसे कहा जा सकता है, यह सियासी पैंतरेबाजी होती है। अमन गिरी अपने पिता की मौत के बाद मैदान में हैं और एक सिंपैथी उनको भी वो भी उतर रहे हैं लेकर के कि उनके पिता ने जो काम किए और जो काम अधूरे रह गए उनको करने के लिए अब अमन गिरी मैदान में है, इसलिए जनता उनका साथ दे रही है। और जनता जब उनको सहानुभूतिपूर्वक देखेगी, पिता के रोल में बेटे को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी और प्यार देगी। अमन गिरी और उनके खेमे और उनके समर्थकों का कहना है, लेकिन विनय तिवारी का साफ तौर पर कहना है कि नेताजी की मृत्यु के बाद ये एक चुनाव हो रहा है गोला गोकर्णनाथ का, उपचुनाव सत्ताधारी पार्टी का जरूर होता है, लेकिन आरोपों के बीच वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि वो भी जरूर जीतेंगे और जीत करके यहाँ से बड़ा संदेश देंगे और नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की भी कोशिश करेंगे। जी,
लेकिन गोला की जनता से आपने बातचीत की होगी, जो आसपास लोग बातचीत कर रहे हैं, आम लोगों के बीच में जो धारणा चल रही है, किसके लिए ये सिंपति ज्यादा आपको लगी? एक बार फिर से आप बात करेंगे कि गोला की जनता क्या चाह रही है? गोला की जनता बदलाव चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी से उठ चुकी है। समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिन पर आपको जीत की लग रहा है कि जीतेंगे? सबसे बड़ी चीज है किसान, किसानों का मुद्दा रहा है। किसानों के मुद्दे पर हम लोगों ने जो जनता के बीच संदेश देना था वो दिया है, युवाओं के बीच में दिया है, व्यापारियों के बीच में दिया है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पूरी तरीके से हर वर्ग त्रस्त हुआ है और ये संदेश हमने देने का काम किया। अमन गिरी अपने पिता के मौत के बाद सहानुभूति की बात कर रहे हैं, आप नेताजी को श्रद्धांजलि की बात कर रहे हैं, कौन किस पर भारी पड़ने जा रहे हैं? माननीय नेताजी का के बराबरी आज तक प्रदेश में किसी नेता की नहीं है। माननीय मुलायम सिंह यादव नेता अगर कोई कहा गया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव कहे गए हैं, और इसलिए ये तय है कि श्रद्धांजलि गोला विधानसभा में समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता ने और समाजवादी पार्टी के अलावा गोला विधानसभा की जनता ने माननीय नेताजी को श्रद्धांजलि दी है। इसका परिणाम कुछ ही क्षणों में आपके बीच में आने वाला। मतगणना स्थल के अंदर आपको तस्वीर दिखा दें, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं विनय तिवारी, वो जा रहे हैं अपने समर्थकों के साथ, और साफ तौर पर एक बार फिर से वही दावा कि नेताजी को श्रद्धांजलि गोला गोकर्णनाथ की सीट से दी जाएगी। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफी अच्छा काम किया, ये भी उनका कहना है, जो तमाम मुद्दे स्थानीय हैं और अन्य मुद्दे जो प्रदेश के बिल्कुल रतीशा भी इनका ये कहना है कि नेताजी का कद बड़ा है, लेकिन गोला की जनता के बीच में उनके दिल में किसका कद बड़ा है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। बात कर लेते हैं शुक्रवार रात को गिरफ्तार हुए मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की। शनिवार को जिला कोर्ट ने अब्बास अंसारी की 7 दिन की कस्टडी रिमांड मंजूर कर दी है। 12 नवंबर दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी में रहेगा अब्बास अंसारी, और इस दौरान ईडी अब्बास से जांच का दायरा बढ़ाएगी और अब्बास अंसारी को लखनऊ, गाजीपुर, मऊ और बाकी ठिकानों पर लेकर के जाएगी, उससे पूछताछ होगी। हालांकि आपको ये भी बता देंगे कि जिला जज संतोष राय ने ईडी और अब्बास अंसारी के वकीलों की दलील सुनने के बाद कहा कि अब्बास से गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा। आपको यह भी जानकारी दे दें कि अब्बास को ईडी के दफ्तर में रखा गया है, जहां अब्बास के वकीलों ने ईडी के अफसरों के जरिए अब्बास के लिए सामान भेजा। ईडी को रिमांड मिलने के बाद अब्बास अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए कटाक्ष किया, कहा कि अब इस देश में बोलने की आजादी नहीं, अब हमारे देश में सच बोलने पर पाबंदी है। तो देखा आपने किस तरीके से अब हमारे देश में बोलने पर पाबंदी है, इस तरीके की बात कहते नजर आए अब्बास अंसारी। और देखिए ईडी के पास 7 दिन तक अब जांच करने के लिए वक्त मिला है, दायरा बढ़ाया जाएगा, जहां पर पूछताछ की जाएगी, जगहों पर, ठिकानों पर लेकर जाएगा। चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन का। आपकी जगह मोइन जानकारी दे। देखिए आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी कल से ईडी की कस्टडी रिमांड में है, और इस वक्त हम प्रयागराज में उसी जगह पर मौजूद हैं जो सिविल लाइन्स इलाके में ईडी का दफ्तर है, और अब्बास अंसारी को रात भर इसी दफ्तर में रखा गया। और आप देख सकते हैं कि जो पूरा दफ्तर है ईडी का वो अब भी छावनी में तब्दील है, बड़ी संख्या में पुलिस के साथ साथ पीएसी के लोगों की भी तैनाती की गई है, और जो दूसरा गेट है उस पर भी इसी तरीके से पुलिस और पीएसी के लोगों का पहरा है। और हमारे जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अब्बास अंसारी से पहले दिन रात भर पूछताछ हुई है, ईडी के अफसरों की टीम रात करीब 12:45 बजे यहाँ पहुंची है, और सुबह 5:30 बजे तक यानी तकरीबन 5.5 से 6 घंटे तक अब्बास अंसारी से रात को पूछताछ हुई है, और पूछताछ में कई अहम तथ्य भी सामने आए हैं। हालांकि अभी जो है इस वक्त अब्बास अंसारी को थोड़ी मोहलत दी गई है ताकि वो आराम कर सके, सो सके, और अब से कुछ देर बाद ईडी की एक और टीम पहुंचने वाली है, दूसरी टीम, वो अब्बास अंसारी से पूछताछ करेगी। और पूछताछ का पूरा फोकस ये है कि ईडी ने पिछले 1.5 सालों में जो पड़ताल की है, जो तफ्तीश की है, उसमें उसके हाथ में जो तथ्य आए हैं उन तथ्यों का सत्यापन कराना है। पहले बयान दर्ज किया जाएगा, उसकी वीडियोग्राफी कराई जाएगी, और उसके बाद ईडी की टीम 1-2 दिन के बाद अब्बास अंसारी को लेकर गाजीपुर और मऊ जाएगी, वहां पर फिजिकल तौर पर जो है जो तथ्य सामने आए हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाएगा। और ईडी के टीम को इस बात की भी उम्मीद है कि अब्बास अंसारी से पूछताछ में कई और नए तथ्य सामने आ सकते हैं, जिन तथ्यों के आधार पर उसने गिरफ्तारी की थी उसके बाद और नए तथ्य सामने आ सकते हैं।
तो ईडी की टीम अब्बास अंसारी को 7 दिनों तक, जब तक की कस्टडी रिमांड है, इसी दफ्तर में रखने वाली है और बीच में लेकर के उसे गाजीपुर और मऊ ले जाया जाएगा। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के परिवार की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़नी तय है, क्योंकि अभी तो अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जिस तरीके के तथ्य, बिल्कुल मोइन, अब ये देखना होगा कि किस तरीके से 7 दिन की पूछताछ से कौन कौन से फैक्ट बाहर निकल करके आते हैं। शुक्रिया मोइन तमाम जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।